हमने यहाँ स्टिक परचेज किया है, यहाँ पे स्टिक्स भी आपको मिल जाएंगी। आप देख सकते हो यहाँ पे लगी हुई है स्टिक्स, इस तरीके की स्टिक्स रहती है, आप इसको यूज़ कर सकते हो आप ट्रैकिंग के लिए। आपके स्टार्टिंग में ही लग जाती है। भोलेनाथ के दर्शन ये आपके जावा से होते हैं गाइस, और इसके बाद आपके दर्शन काली घाटी से होंगे। तो गाइस लास्ट ईयर पानी यहाँ तक ताली आपकी पाइपें दिख रही है ना यहाँ पे, इस तक पानी था लास्ट ईयर। हम लास्ट ईयर जो यात्रा कैंसिल हुई थी विराजमान है, ये आपके सिंगार से दर्शन हो रहे हैं। वेलकम टू अनदर ब्लॉग। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं बागीपुर, यहाँ से श्री गंग महादेव की यात्रा शुरू होती है। तो गाइस यहाँ पे ये नया पुल बन रहा है, जो ये पहले को बन रहा है आप वीडियोस में देख सकते हो कि ये न्यू पुल बन रहा है, बट पानी भी उस पर ही उतना खास है नहीं है। बाकी ये मेन मार्केट है बागी पुल की। लास्ट ईयर काफ़ी बारिश हुई थी आप देख सकते हो गाइस, बट इस बार उतना ही है नहीं है, मतलब उतना जितना नुकसान मार्केट हुआ है उतना नुकसान मुझे लगा नहीं हुआ है। बाकी ये था कि यहाँ पे बस स्टैंड था, यहाँ पे आपको दिख रहा है आसमान, वहाँ को बस स्टैंड था वो टूट चुका है, बट बारिश होनी लायक लग नहीं रही हुई है। यहाँ पे चलते गए जब आगे की ओर, बाजार की ओर, मेन मार्केट की ओर। तो गए थे मेन मार्केट है बागी पुल की, इसके बाद हम जावा जाएंगे। आप ये देख सकते हो यहाँ काफ़ी से लोग यात्रा के लिए लगे हुए हैं, जैसे यहाँ भाई लोग भी यात्रा पर जा रहे हैं, ट्रैकिंग कर रहे हैं श्री खनी महादेव की, गैस हम भी करेंगे। तो गैस बाकी मेरे साथ वाले हैं, कहाँ चले गए उन्हीं को ढूंढ रहा हूँ। अच्छा यहाँ पे आ गए, चलते गए अंदर की शॉप की ओर, चलते अब यहाँ से आगे की ओर। गाड़ी काफ़ी आगे लगी है हमारी, ये मार्केट बन चुकी है, मतलब कि काफ़ी बड़ी मार्केट अब बन चुकी है यहाँ पे, ये बागी पुल में आप देख सकते हो। बाकी वीडियोस में आपको मिलेंगे आगे, काफ़ी आगे मतलब आगे प्रयास जावा जाके ही अब आपको मिलेंगे वीडियोस में, करते वीडियोस कह नहीं यहीं पे। गाइस हमने गाड़ी पार कर दिया, तो अब चले यात्रा पे, ये जावा में गाड़ी पार की हमने। बाकी आप देख सकते हो आसपास का व्यू थोड़ा बहुत, ये विक्रांत और मामू का बेटा, मामू का बेटा नहीं है काकू और विक्रांत, और ये मैं चला यात्रा पर अपना सामान पैक करके। गाइस मिलेंगे आपको यात्रा पर, बने रहिए वीडियोस में एंड तक। तो आप ये देख सकते हो शॉप्स वगैरह लगी है सामने को, थोड़ी बहुत दिख रही होंगी आपको शॉप्स वगैरह लगी है, बाकी यहाँ पे भी लग रही है मतलब शॉप्स वगैरह। तो क्या इस वीडियो से मैं एंड तक बने रहिए, और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर कीजिए। तो गाइस हमारी यात्रा यहाँ से शुरू हो चुकी है जावा से, तो क्या इस वीडियो से एंड तक बने रहना। और यहाँ देख सकते हो गाइस आस पास शॉप्स वगैरह लग रही है, मतलब काम चला हुआ है, और आगे पीछे को भी देख सकते हो शॉप्स वगैरह लगी है बनी हुई है। आपको यहाँ पे सामान मतलब अपने साथ कैरी करने के लिए मिल जाएगा, आपको कुछ भी लेना होगा स्टिक्स वगैरह जो भी चीज़ें होंगी, तो आपको सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पे, शूज़ वगैरह भी मिल जाएंगे आप यहाँ देख सकते हो गाइस वीडियोस में। तो और बाकी वीडियोस में बने रहिए एंड तक, आपको दिखाएंगे पूरी श्री गंग महादेव का यात्रा से। और यहाँ पे देख सकते हो दोनों ब्रदर्स, यहाँ पे थोड़ा वर्क चला है, काम कर रहे हैं मतलब जो घास है उसको काटने का। हमने यहाँ स्टिक परचेज किया है, यहाँ पे स्टिक्स भी आपको मिल जाएंगी। आप देख सकते हो यहाँ पे लगी हुई है स्टिक्स, इस तरीके की स्टिक्स रहती है, आप इसको यूज़ कर सकते हो आप ट्रैकिंग के लिए। आपके स्टार्टिंग में लग जाती है, इस स्टार्टिंग में शॉप्स है यहाँ पे, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पीछे की भी शॉप है, यहाँ पे भी है, और यहाँ से भी आते हम सामान भी परचेज कर रहे हैं, प्रसाद ले रहे हैं। तो गाइस ये देख सकते हो यहाँ पे रेनकोट वगैरह, यहाँ से हम सामान ले रहे हैं, और यहाँ पे स्टिक्स मिल गई है, जैसे आपको बताया था मैंने ब्लॉग में बताया था कि आप स्टिक्स जरूर ले जाए। बाकी यहाँ पे देख सकते हो, तो यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस यहाँ सामान वगैरह कैरी कर रहे हैं, ये शॉप से भी आगे यहाँ पे आपको मतलब कि सब कुछ मिल जाएगा। आप देख सकते हो गाइस यहाँ पे मतलब कि आपको पिक्चर भी मतलब यहाँ की जो लोकल पिक वगैरह वो भी आपको मिल जाएंगे। गाइस ये देख सकते हो सामान यहाँ पे, तीन ट्राई पे ले जा रहे हैं आप अपने लिए।
ट्रैफिक 30 रुपये का है, अगले जगह 50 का है, बक्शी में मैं 20 रुपये देता हूँ, ठीक है, हाँ 150 इसके। तो आप ये देख सकते हो गाइस, मान यहाँ पे श्री खनी महादेव की पिक्चर वगैरह सब कुछ। ओहो नमस्ते, ठीक है। तो गाइस लास्ट ईयर हम मतलब अभी तो आपसे आए थे, जैसे आपने देखे भी होंगे ब्लॉग्स, तो गाइस इस बार हम यात्रा कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, बाकी कह नहीं सकते अभी। तो गाइस ये देख सकते हो आप यहाँ पे रास्ता, तो लास्ट ईयर काफ़ी मतलब कि मानसून हुई थी तो काफ़ी सी गाड़ियाँ बाइक्स फंस चुके थे, तो गाइस काफ़ी से लोगों ने इधर से बाइक अपने चला के ले गए थे ऊपर के लिए, मतलब धक्के मार मार के, मतलब काफ़ी से ग्रुप थे, मतलब उन्होंने अपने बाइक इधर से निकाले इस पुल पे से, आप ये देख सकते हो यहाँ पे। बट उस टाइम काफ़ी पानी था, उस वजह से काफ़ी वो लगा, बट अब देख के लगता नहीं है कि इस जगह पे कोई नुकसान हुआ है लास्ट ईयर की बारिशों से। जैसे हमारी साइड का जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, वहाँ पर जिस तरीके का नुकसान देखने को मिला, उस तरीके का नुकसान इस तरफ देखने को मिल नहीं रहा। जैसे भी यहाँ पे देख सकते हो ऊपर को काम चला हुआ है थोड़ा बहुत, अरे आप देख सकते हो थोड़ा बहुत तो रोड ख़राब है ही है, बाकी उतना ख़राब भी है नहीं है कि जिस तरीके की पिछली बार बारिशें हुई थी उस तरीके से लगता था कि इस बारी काफ़ी ख़राब देखने को मिलेगा इधर व्यू, बट लग देख के लग नहीं रहा कि इधर को कोई नुकसान हुआ है बारिशों से। बाकी वीडियोस में बने रही है एंड तक। तो गाइस ये देख सकते हो आपको यहाँ से मैं श्री खनी महादेव के दर्शन कराता हूँ, थोड़े थोड़े दिख रहे हैं, कोशिश करूँगा मैं। और देख सकते हो आप यहाँ टॉप में भोलेनाथ के दर्शन, ये आपके जावा से होते हैं गाइस, और उसके बाद आपके दर्शन काली घाटी से होंगे, बाकी जय के यहाँ से भी होते हैं, तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा गाइस। जब लास्ट ईयर मौसम काफ़ी ख़राब हो गया तो उस टाइम इधर से आए थे हम नीचे को, बाकी रास्ता ये है मेन रोड, रोड है अभी तो मतलब आगे तक कुछ थोड़ा आगे तक रोड बना हुआ है, उसके बाद आपका चलते रास्ता मिल जाएगा ट्रैकिंग रास्ता। उस टाइम काफ़ी पानी की वजह से मतलब रास्ता चेंज करना पड़ा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पानी था रास्ते पे। अब आप यहाँ पे व्यू देख सकते हो, यहाँ पे लास्ट ईयर मतलब कि काफ़ी ज़्यादा पानी था, इधर बिल्कुल मतलब 8 से 5 तक बिल्कुल ही ज़्यादा पानी था। बाकी ये देख सकते हो गाइस चले हैं ट्रैक पे, तो गाइस लास्ट ईयर पानी यहाँ तक था, ये आपकी पाइपें दिख रही है ना यहाँ पे, इस तक पानी था लास्ट ईयर, हम लास्ट ईयर जो यात्रा कैंसिल हुई थी, तो ये देख सकते हो आप बिल्कुल 8 से 5 तक बिल्कुल बराबर था पानी। और ये आगे ये ब्रदर और मामू का बेटा चला हुआ है, चले तो हम भी हैं यात्रा पे, बट ये है कि सारी आराम से जाएंगे, जैसे दो यात्रा के लिए हमने इस वाली तरीके की यात्रा नहीं करेंगे, सारी बिल्कुल आराम आराम से जाएंगे हम यात्रा पर। गाइस अगर आप यात्रा से पहले आते हो तो गाइस आपको रोका जाएगा अभी यात्रा पे ना जाने के लिए, क्योंकि हमारे को भी रोक रहे थे, जैसे मतलब कि नज़दीक दिन आ जाते हैं, मतलब कि आज तारीख हो चुकी है 3/10/11, तो मतलब 14 तारीख तक आपको यात्रा, जैसे मान लो यात्रा शुरू होती है उसके 2-3-4 दिन पहले रोकने शुरू कर लिया जाता है, यात्रा पर जाने नहीं दिया जाता, क्योंकि आगे से प्रशासन के ऑर्डर आते हैं कि अब यात्रा पे रोक दिया जाए। जब रेगुलर ऑफिशियल यात्रा शुरू होंगी उसके बाद ही यहाँ पे यात्रा पे जाया जाए। तो गाइस वीडियो में बने रहिए अंत तक, दिखाते हैं ट्रैक। बस अब ये रास्ता देख सकते हो अभी तो थोड़ा नॉर्मली है रास्ता, ज़्यादा इतना है नहीं है, मतलब थोड़ा सा स्टीप है मतलब, लेकिन रास्ता उतना ख़राब नहीं है, आप देख सकते हो गाइस जैसे कि विलेज का नॉर्मल रास्ता होता है मेरे भाई लोग यात्रा पे, वैसा ही रास्ता है जैसे गांव में रास्ता होता है, ज़्यादा ख़राब है नहीं है रास्ता, तो आप देख पा रहे होंगे वीडियोस में भी, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए,
और आपको पूरी यात्रा दिखाएंगे हम श्रीखंड महादेव की। तो गाइस लास्ट ईयर यहाँ पर एक रास्ता है वो टूट चुका था, टूट तो नहीं गया था, मतलब कि पानी काफ़ी होने की वजह से रास्ता दूसरी तरफ से ले बनाया था, क्योंकि रिस्क रहता है उस रास्ते पे, क्योंकि पानी रोड पे होने की वजह से, मतलब पानी ज़्यादा होने की वजह से रास्ते पे जाना काफ़ी टफ हो जाता है। बाकी आप ये रास्ता देख सकते हो गाइस वीडियोज़ में, आप ये हमारा श्रीखंड महादेव का ट्रैक शुरू हो चुका है आज से। आज गाइस तारीख हो चुकी है आपकी 12 जुलाई, तो जैसे गाइस 12 जुलाई हो चुकी है तो आपको 2-3 दिन पहले यात्रा पे जाने से रोक दिया जाएगा, तो आपको जब से यात्रा शुरू होती है उसके बाद ही आपको छोड़ा जाएगा। तो बाकी ये देख सकते हो गाइस रास्ता इतना ख़राब है नहीं है रास्ता, हमारे लिए तो अभी नॉर्मल ही है, बाकी देखिए आगे को इस बार कैसा रहेगा रास्ता, तभी तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है रास्ता, में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। बाकी वीडियोस में बने रहिए एंड तक, मैं आपको दर्शन कराता हूँ श्रीखंड महादेव के। यहाँ से आप होंगे ये देख सकते हो गाइस ऊपर भोलेनाथ जी विराजमान है, ये आपके सिंगार से दर्शन हो रहे हैं भोलेनाथ के साक्षात दर्शन, और आप देख सकते हो काफ़ी प्यारा व्यू। गाइस ये वो लोकेशन है जहाँ पे रास्ता पिछली बार चेंज हो गया था, शायद वाटर की पानी की वजह से शायद वॉइस अच्छे से आ ना पाए। तो बाकी आप देख सकते हो वीडियो में बने रहिए, आप ये देख सकते हो गाइस यहाँ पे सूर्या बन चुकी है, भाई तो ग्रेडिंग भी लगी आगे आगे से, देख सकते हैं ग्रेडिंग लगी है यहाँ पे, और आपको दिखाते हैं रास्ता जो कि ये देख सकते हो बिल्कुल पानी इसके नीचे जाता है, आप देख सकते हो गाइस यहाँ पे पानी बिल्कुल इसके नीचे जा रहा है। गाइस ये देख सकते हो आप, आई थिंक वॉइस अच्छे से आ नहीं पा रही होंगी, बट कोशिश कर रहा हूँ मैं वीडियोस में लाने की, बट देखते हैं वॉइस आती है तो ठीक है, नहीं तो देखते हैं क्या बनता है।